Hello students, welcome again in Arrest tutorial and today we are going to start further topics of class 9th. ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्रीवियस जो आपका टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है एंड बाई विच प्रोसेस द सब्सटेंसेस आर मूविंग इन एंड आउट फ्रॉम द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. आपको ये भी पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है. तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या है एंड डिफ्यूजन क्या है. तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, व्हाट आर सिमिलरिटीज बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड विच सब्सटेंसेज इज गोइंग टू मूव इन ऑस्मोसिस एज वेल एज इन डिफ्यूजन. सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. ओके, हम लोग सोल्यूशन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन विच टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. तो देखिए सोल्यूशन जो है हमने आपको ऑलरेडी बताया. पहले आप जानिए सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन. तो सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिलके हम लोग कोई सोल्यूशन बनाते हैं. तो सोल्यूशन में होता क्या है, सोल्यूट होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये बनाएगा क्या, सोल्यूशन. ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर सोल्यूशन बनेंगे. अब देखिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है. तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में होगा क्या कि कितने टाइप से हो सकते हैं. फर्स्टली आपको यह पता चल गया कि सोल्यूशन कैसे बनता है. अगर आपको यह पता चल गया कि सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनना है तो इसके टाइप्स, तो टाइप्स के लिए बस आपको एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा मैथ्स में, तो प्रोबेबिलिटी में या तो ये होगा या तो ये होगा. मींस कि अगर एक आप क्वाइन उछालते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा या टेल आएगा. वही चीज यहां पे भी है कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी करें, ठीक है, सॉल्यूशन का, तो देखिए कैसे होगा. कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है कि कोई भी सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट कंडीशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन सॉल्वेंट. ओके, सेकेंड कंडीशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा इन कंपैरिजन सॉल्वेंट. एंड द थर्ड वन इज सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट. ओके, सो देखिए प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने किया कि सॉल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी एक सोल्यूशन होगा. अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं. नेक्स्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. एंड द लास्ट वन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल. तो अब देखिए ऐसे टाइप के सोल्यूशन को कहते क्या है. जैसे फर्स्ट है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. ऐसे टाइप्स के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर टोनिक सोल्यूशन. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन. ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक ओके. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लीजिए. ठीक है, कि जो सॉल्यूशन है उसके टाइप्स हैं. सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है. आफ्टर दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
in which the concentration of solute is greater than the concentration of solvent. In hypotonic solution, the concentration of solvent is greater than the concentration of solute, and in isotonic solution, solute and solvent amount is equal. अब देखिए इसमें होगा क्या, इस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? तो देखिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इसलिए क्योंकि अभी इससे पहले आपने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कि कोई सब्सटेंस मूव इनसाइड होता है या एग्जिट होता है, तो वो कैसे होता है, और हम लोग ऑस्मोसिस के अंडर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑस्मोसिस में आपने बताया कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, तो उसका एग्जाम्पल हमने बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम एक बीकर या एक पेट्री डिश में Like this, आप एक पेट्री डिश लेते हैं और इसमें वाटर है, इसमें आप रेजिन्स डालते हैं, रेजिन मतलब किसमिस, अगर रेजिन आप इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्वेलप कर जाएगा, स्वेलप करेगा कैसे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर एंट्री कर जाएगा और जो रेजिन है स्वेल अप, रेजिन विल स्वेल अप। तो देखिए इसमें किस टाइप का ऑस्मोसिस हुआ ये आपको बताना रहेगा। ऑस्मोसिस में अगर वाटर बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। देखिए इंडो टर्म फिर आया है, हमने आपको बताया था कि इंडो टर्म याद रखिएगा। ऑस्मोसिस बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। सो इंडोस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। एंड एक्सोस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर अंदर से बाहर की तरफ आएगा, जैसे रेजिन है किसमिस, स्वेलप रेजिन आप जो है चाशनी में डाल दीजिए, ठीक है, मतलब कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा रेजिन से जो वाटर है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑस्मोसिस और उसके टू टाइप्स हैं इंडो एंड एक्सो। अब किस टाइप के सॉल्यूशन में आपको मैं बता दूं इंडो ऑस्मोसिस होगा और किस टाइप के सॉल्यूशन में एक्सो ऑस्मोसिस होगा। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किस चीज का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का। मीन्स कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें आप कोई भी सेल रखते हैं तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स कि अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इंडोस्मोसिस। देखिए कैसे मैं बता दूं, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जैसे ये, ठीक है, ये एक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आप पानी में किशमिश डालते हैं या फिर पानी में चना डालते हैं तो वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि उसमें देखिए वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल बहुत ही लेसर अमाउंट में होंगे जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, अल्टीमेटली वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल और एज ए रिजल्ट द सेल बिकम स्वेलप और ग्राम बिकम स्वेलप, रेजिन बिकम स्वेलप, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, जो कि आपको फर्दर जितने भी आप बायो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, अभी आप नेक्स्ट क्लास जब पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दो ही प्रोसेस बार बार टर्म आएगा। सो नेवर फॉरगेट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योर क्लियर योर डाउट। सो इन दिस वीडियो लेक्चर दिस इज ऑल अबाउट
types of solution, and orally or verbally I am telling about osmosis as well as diffusion. So further topics we'll discuss in another video. So thank you to all of you for watching us on ARS tutorial.